I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number 13 and in this module we are going to talk about leadership and differences between leadership and management. जब हम leadership and management के differences की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि पहली बात कि ये आपस में interchangeable terms हैं। लेकिन अगर हम इसके differences पर focus करें, तो हम उन managers का जिक्र करते हैं। जो लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट के साथ ऑपरेट वो कर रहे हो और बाजुकात ऑपरेट नहीं लीडरशिप मोटिवेशन में वो बेसिकली फर्क क्या है so, वाजिया करने के लिए याद रखिएगा कि मैनेजमेंट इज टॉकिंग मोर अबाउट प्रेगमेटिज्म जिसमें हम आउटकम ओरिएंटेशन की बात करते हैं जिसमें हमारा मेन फोकस एंड होता है मीन सो मैनेजमेंट इज गोइंग टू क्रिएट एन एनवाइ जो प्रेगमेटिक हो जो प्रैक्टिकल हो लेकिन अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप का जो एस्पेक्ट है इट इज लिंक विद एस्पायरेशन इट इज लिंक विद मोटिवेशन इट इज लिंक विद इंस्पायरेशन सो इंस्पायरेशन एसपाशन मोटिवेशनल प्रस्पेक्टिव को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो दैट इज मोर फोकसिंग अपॉन द ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट ऑफ द पीपल जिसमें के लोगों की इन्वॉल्वमेंट पीपल की इन्वॉल्वमेंट दैट इज रादर रादर मोर देन ओनली फोकसिंग अपॉन द आउटकम सो याद रखिएगा डियर कि जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इट इज मोर एक्शन ओरिएंटेड इट इज मोर रिजल्ट्स ओरिएंटेड इट टॉक्स अबाउट कि हमें हासिल क्या करना है इट टॉक्स अबाउट कि किन कोर्स ऑफ एक्शन पर हमें चलना है इट टॉक्स अबाउट कि हमारे पास जो रोड मैप होगा सक्सेस का वो टेक्निकली एंड टेंजिबली स्पीकिंग वो कैसा है लेकिन जब हम लीडरशिप में चीजों को देखते हैं तो लीडरशिप इज टॉकिंग अबाउट मोर पीपल एस्पेक्ट जिसमें के एस्पेक्ट को वो फोकस किया जाता है जब हम आपस में रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप कैन बी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट तो लीडरशिप इज टॉकिंग मोर अबाउट इंटरडिपेंडेंसी इज टॉकिंग मोर अबाउट इंटरैक्शनल टू वे कम्युनिकेशन जिसमें हो जिसमें कि हम सिर्फ ये ना देखें कि हमारे रिजल्ट क्या हैं हम इस बात पर भी फोकस कर सकें कि जो लोग उन रिजल्ट को हासिल कर रहे हैं उनके थिंकिंग प्रोसेस उनके इमोशंस कैसे हैं देर फोर अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट इज दैट लीडर्स कैन मैनेज बट मैनेजर्स मे नॉट लीड बिकॉज लीडरशिप इज समथिंग विच इज मोर सुपरलेटिव एज कंपेयर टू जस्ट मैनेजमेंट अब अगर हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट परस्पेक्टिव में डिफरेंसेस को विजुअलाइज करें तो लीडरशिप इज़ मोर क्रिस्मेटिक जो के लोगों के लिए एक क्रिस्मा क्रिएट करता है लोगों के लिए एक विजन एंड मिशन लेकर आता है लोगों के लिए एक रोल मॉडल का असर वो रखता है लीडरशिप इज मोर ट्रांसफॉर्मेशनल जो कि तब्दीली की बात करेगा जो कि चेंज ओरिएंटेशन की बात करेगा जो कि फ्लेक्सीबिलिटीबिलिटी की बात करेगा लीडरशिप प्रस्पेक्टिव इज मोर विजनरी वो फ्यूचर के बारे में आपको ओरिएंटेशन देता है लीडरशिप स्पेक्टिव में हमें इस बात का अंदाजा होता है कि फ्यूचर हमारे लिए कैसा होगा और उस तक पहुंचने के लिए हमें किस किस्म की जहद उसकी जरूरत है सो लीडरशिप प्रस्पेक्टिव इज मोर क्रिजमेटिक ट्रांसफॉर्मेशनल एंड विजनरी जिसके बरक्स अगर हम मैनेजमेंट ओरिएंटेशन की बात करें तो मैनेजमेंट इज फोकसिंग मोर अपॉन ऑपरेशनल एक्सीलेंस इज फोकसिंग मोर अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ जो लोगों की मोटिवेशन है उसको मैनेजमेंट इग्नोर कर जाती है सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो मैनेजमेंट परस्पेक्टिव में हम देखते हैं एंड दैट इज मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर अब मैनेजमेंट में जब हम जनरली स्ट्रक्चर का जिक्र कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल आउटलुक हरारकी डिपार्टमेंटलाइजेशन सो मेनी हैं जो स्ट्रक्चर में काउंट होते हैं तो मैनेजमेंट का फोकस ये होता है कि वो स्ट्रक्चरल डिटेल्स को सही मानों में लेकर चले उसमें उसकी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इन चीजों के ऊपर मैनेजमेंट का फोकस वो ज्यादा होगा सो मैनेजमेंट बेसिकली क्या करेगी वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एनहांस करने में हमें मदद देगी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एनहांस करने से वी वुड बी एबल टू कलेक्ट एक्सीलेंस इन ऑपरेशन अब ये दोनों चीजें जब पैरेलल चलें, जहां पर हमारे पास ऑपरेशनल एक्सीलेंस भी हो जहां पर हमारे पास स्ट्रेटजी अवेलेबल हो और स्ट्रेटेजी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम प्रॉपर मिशन विजन भी लेकर आ सकें हम लोगों को मोटिवेट भी कर सकें हम उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट्स को भी लेकर आ सकें हम सिर्फ ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट्स पर फोकस करें तो उससे एक ओवरऑल एनवायरमेंट ऐसी क्रिएट होगी जिस इन्वायरमेंट में हमारे लिए डिसीजन मेकिंग ज्यादा बसानी होगी सो रिमेंबर कि एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट की जब बात की जा रही है तो मैनेजमेंट परस्पेक्टिव और लीडरशिप इन दोनों को हमें साइड बाई साइड लेकर चलना है अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट्स के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट्स को भी मद्देनजर रखना हमारे लिए जरूरी है और हम ऐसे एविडेंस क्रिएट करें जिन एविडेंस से हमारी प्रॉब्लम्स इनोवेशन और क्रिएटिविटी के इश्यूज ये सब हल हो सकें थैंक यू